यस मैम आ रही है।
इंट्रोडक्शन पे रहना रहेगा, फिर था हमारा नेक्स्ट पैथोलॉजी का। ठीक है जी, तो ये जो कॉमन पैथोलॉजीज हैं एमआरआई की, केवल लेक्चर आपने जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितनी भी पैथोलॉजीज हमने सारी पढ़ी थी, ये सारी पैथोलॉजीज जो है उसमें जो इमेजेस है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनिनजियोमा हमें किस तरह का नजर आ रहा होगा, अगर वहाँ पे कोई फंक्शन है तो वो आपको क्या किस तरह का एरिया नजर आ रहा होगा। तो ये जितना भी हमने पैथोलॉजीज पढ़ी थी, ये सारी पैथोलॉजीज वाला जो लेक्चर है एमआरआई में क्या आता है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से कोई इमेज जो है उसे दिया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से बच्चों सीटी स्कैन कंप्लीट, यानी कि जिसमें हमने एक ब्रेन सीटी स्कैन पढ़ा था और एक हमने अपर लोअर लिंब का सीटी स्कैन पढ़ा। ठीक है, तो जितने भी इमेजेस हैं आपने सिर्फ वो वाला पार्ट जो है वो इसमें दिया था। इसी तरह से एक्सरे जो है इसमें कॉमन पैथोलॉजीज जो थी हमने लेक्चर पढ़ा था कॉमन पैथोलॉजीज का। ठीक है, उसके अलावा मैम आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। जी मैम बहुत ज्यादा कट रही है। एनीवेज चांसेस ये भी बच्चों की आपने क्या करना है कि एक तो मैंने आपको बताया वाइवा के लिए टॉपिक्स हैं, स्पॉटिंग के लिए मैंने आपको बताया है एमआरआई और एक्सरे दोनों की जो पैथोलॉजीज वाले हम लेक्चर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक्सरे में क्या क्या पैथोलॉजीज हम देख सकते हैं, एमआरआई में भी हमने कुछ पैथोलॉजीज वाले लेक्चर पढ़ा। ठीक है, तो जो पैथोलॉजीज है आपने उसको स्पॉटिंग के लिए मेरे को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसी तरह से सीटी स्कैन जो है उसमें आपने इमेजेस जितने भी थे ब्रेन के इमेजेस हमने पढ़े थे, अपर लोअर लिंब के हमने इमेजेस पढ़े थे, तो उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्पॉटिंग है जब आप प्रिपेयर करेंगे तो साथ साथ आपने माइंड में ये जरूर रखना है कि आपने फाइनल जब फाइनल पेपर आएगा उसमें सेम वेज ही होगा, सेम बेटर होगा आपको फाइनल का। ठीक है, उसमें भी जब मैं आपको लेवल करने के लिए इमेज दूंगी या मैं आपको सेम वेज दूंगी तो फिर आपको वहां पर भी इमेज आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो स्पॉटिंग के साथ साथ आपने याद मतलब माइंड में रखना है कि अगर हमें किसी तरह से कोई इमेज जो है फाइनल में आ जाता है सिनेरियो बेस्ड के साथ तो हम उसे किस तरह एडिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्विज है और क्विज मैंने आपको बताया था कि क्लास पार्टिसिपेशन की प्लेसमेंट है, ये तीन मैंने इसमें टॉपिक्स आपको बताया हुआ है जो कि हमने एक एक लेक्चर पढ़ा है। मैपो का भी हमने एक लेक्चर पढ़ा था, अल्ट्रासाउंड का भी हमने एक ही लेक्चर पढ़ा है और फ्लोरोस्कोपी का भी हमने एक ही लेक्चर पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब आपको पता चल गया है आप लोगों ने मिड टर्म दिया है किस तरह से एमसीक्यू जो है प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें मैं आपको 15 एमसीक्यू से दूंगी और वो जो है वो 5% का क्वेश्चन। ठीक है, ये एलएमएस बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, इसका मैंने डेट थोड़ी सी आपकी आगे कर दी है 11 अगस्त को जो हमारी क्लास होगी बेसिकली उसमें आपका जो है वो ये क्विज होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी नीचे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि आपने सब बच्चों ने अपेयर होना है असाइन डे पे असाइन शेड्यूल के साथ, अगर आप नहीं होंगे तो फिर उसी लोग। ठीक है बच्चों, तो ये तो अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो गया। अब मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पैथोलॉजीज एक्सरे और एमआरआई पैथोलॉजीज। ठीक है, रिवीजन बिकॉज आई थिंक आप लोगों को ज्यादा स्लाइसिस में ही प्रॉब्लम हुई है, तो हम पूरी जो है वो लेक्चर स्लाइसिस वाले जो है या जो इमेजेस वाले लेक्चर है उनको एक दफा फिर से पढ़ते हैं। बेटा हमने ये बात मैम ये जो वाइवा और स्पॉटिंग की जो है वो आपने लिस्ट भेजनी है। सॉरी, वाइवा और स्पॉटिंग क्या आपने लिस्ट भेजनी है कि कौन से स्टूडेंट्स किस डे पे आके देंगे? हाँ जी बेटा, मैंने ये कहा है कि वाइवा स्पॉटिंग आपकी सेम डे होगी। ठीक है, मैंने सेम डेट्स मेंशन की हुई है, आप ऑन कैंपस होंगी, तो मैं आपको बता दूंगी कि किन स्टूडेंट्स ने जो है वो वेडनेसडे को देना है और किन स्टूडेंट्स ने सैटरडे को दिया है। ठीक है, ओके मैम। इज इट 28 भी है और 31st भी आया, तो हाफ स्टूडेंट्स 28 को देंगे और हाफ जो है 31st को देंगे, बिकॉज आपके आई थिंक ऑलमोस्ट 96-94 स्टूडेंट है, तो मैं 40-40 या 45 इस तरह से जो है स्टूडेंट्स डिवाइड कर दूंगी। जो मैं आपको लिस्ट भेजूंगी वो फिर आप लोग फॉलो कर लीजिए। अच्छा जी बच्चों, अब आप लोग मुझे बता दें, बिकॉज मैंने तो खाली
थोड़ा सा उसको कर लेते हैं एडवाइस। ठीक है बच्चों, एक ही आपको एक्सरे पैथोलॉजी सीटी स्कैन की जो इमेजेस है जिसमें आप सब बच्चों को बार बार इशू आ रहा है उसको हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। फाइन, जो प्रेजेंट है आप लोग क्या सो रहे हैं सारे? क्लास आप लोग जाग रहे हैं? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। यस मैम, जाग रहे हैं। लेकिन बेटा वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हूँ कि आप सब बच्चों ने इतने आसान आप आइडेंटिफाई कर सके। आप लोग पता नहीं सीटी का अगर आ गया या एमआरआई का जो इंग्लिश दे दिया आपको फाइनल में तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई? ठीक है, एनीवेज थोड़ा सा बच्चों देख लिया करें, एल्बो जॉइंट एंकल जॉइंट आपने जो है वो बच्चों से किया हुआ था। ये देखिए बड़ा आसान सा ये इसलिए आपको नजर आ रहा है आसान। ठीक है, ये हमारी नूमरस है, ये हमारी क्लैविकल पड़ी हुई है, ये पीछे से स्कैपुला नजर आ रही है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे पास रिब्स नजर आ रही है। तो अब अगर मैं आपको ये देती हूँ तो आपको मेरा ख्याल में इसमें मुश्किल होनी चाहिए कि ये कौन सा एक्सरे करने का। ठीक है, फिर मैंने आपको बार बार एक बात बताई थी कि आपसे अभी मैं आपको ये कह रही हूँ जब आपको मैं स्पाइनल डिस्क चाहिए बेस एग्जाम होती तो उसमें भी बच्चों जिस तरह से ये पैटर्न दिखाया था कि पेशेंट था उसको कहीं पे पेन थी, लेट्स सपोज अभी मेरा शोल्डर खुला हुआ है, अगर मैं आपको देती हूँ हमने शोल्डर की कौन सी पैथोलॉजीज पढ़ी थी, हमने शोल्डर की पढ़ी थी डिसलोकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर मैं आपको देती हूँ मैम, शोल्डर फाइनल फाइनल में एमसीक्यूज नहीं आएंगे? में एमसीक्यू भी होगा लेकिन फाइनल में आपका स्नैरियो बेस भी होगा ना सब। स्नैरियो तो आपका होगा इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए एमसीक्यू तो फिर आप लोगों ने थोड़े बहुत इधर उधर से कर ही लिया लेकिन जो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया ना इमेज वो ज्यादा आप लोगों ने काम खराब किया। अच्छा जी बच्चे, अब मैम आवाज नहीं आ रही सही से, दूर से आ रही मैम है। प्लीज, ऐसे लग रहा है जैसे माइक बहुत दूर है, थोड़ा सा प्लीज मैम आगे कर लें। चल मैं देख बताएं बच्चों आवाज ठीक हुई है? यस मैम, आप ठीक है? चले यस जी मैम, आप सही तो है। मैं आपसे ये कह रही थी कि जैसे मैंने अभी आपको मिड टर्म में दिया था कि पेशेंट आया था उसकी हील में पेन थी और सारा सिनेरियो मैंने आपको बनाया था। ठीक है, इसी तरह से ही फाइनल में लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि हम शोल्डर का पढ़ रहे हैं तो शोल्डर की मैंने आपको देखिए एक ही पैथोलॉजी पढ़ाई है, एक थी डिसलोकेशन और दूसरा मैंने आपको कहा था कि कोई भी आपको फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्चर तो चले आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। अब डिसलोकेशन का बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एमसीक्यू में भी दिया हुआ था जो कि काफी बच्चों ने गलत किया हुआ था। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर दो तरह की हमने डिसलोकेशन पढ़ी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन वो होती है जिसमें हमारे पास ह्यूमरल हेड और जो हमारा ग्लिनोइड लेब्रम है उसके दरमियान में डिस्टेंस हमें जो है वो नजर आ रहा होता है, इंक्रीज हो जाता है उसके दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी डिसलोकेशन थी? पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था जो इंटीरियर डिसलोकेशन होगी वो डिसलोकेशन होगी जिसमें क्या होगा कि आपको इस तरह से जो ग्लिनोइड लेब्रम है और जो ह्यूमरल हेड है वो ओवरलैप होता हुआ नजर आए। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको अगर कोई इमेज आता है बड़ी आपको आसानी से जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जहां पे हमें इस तरह से ये गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। अब अगेन वही बात है कि मैं आपको सीधा तो नहीं बताऊंगी कि ये जो है वो आप आइडेंटिफाई करें इमेज को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है कि पेशेंट जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो उसका हो गया, पेशेंट जो है वो बाइक से जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, या पेशेंट जो है वो गिर गया। ठीक है, कहीं सिस्टर से जो था वो हिस्ट्री ऑफ फॉल है पेशेंट की और उसको जो है वो शोल्डर पे या टिप ऑफ द शोल्डर पे जो है वो उसको पेन आ रही है, या इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि अराउंड द ग्रीन ऑफ ह्यूमरल एरिया या अराउंड द शोल्डर एरिया जो है वो पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर पेन आ रही है, 10 में से 8 जो है उसको पेन रेट कर रहा है पेशेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, रेंजेस जो है वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अनेबल टू परफॉर्म द रेंजेस। ठीक है, और डेली एक्टिविटीज भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो अब जो है वो हमने उसका एक्सरे कराया है, वो एक्सरे साथ अटैच होगा तो आप आइडेंटिफाई करें क्या। ठीक है, तो ये दो स्टेरियो है बच्चों, अगर ओवरलैप हुआ होगा तो हम कहेंगे इंटीरियर डिसलोकेशन है, अगर जो है वो दोनों के दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही होगी तो वो क्या होगी? पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप लोग बच्चे देखिए जब एक चीज आपको पढ़ाई जाती है तो एग्जाम में वो ही पूछा जाता है, आप लोग क्या करते हैं जी खैर से? और ये मैंने आपको हाँ जी एक इंफीरियर डिसलोकेशन भी पढ़ाई थी जिसमें आपको था कि इस तरह से ह्यूमरल हेड जो है उसकी आपको डाउनवर्ड पोजीशन नजर आ रही है।
एनीवेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो बच्चों देखिए, जो चीज हमने पढ़ी नहीं होती वो एग्जाम में नहीं आती, ठीक है। अब स्टूडेंट से क्या किया हुआ था, लिगामेंट्स एक्सरे के ऊपर जो है वो बताए हुए थे कि लिगामेंट का टियर हो गया, हमने एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू नहीं पढ़े। इट मींस आपको एक्सरे के ऊपर मैं सॉफ्ट टिश्यू नहीं पूछूंगी, ठीक है। हमने बोनी पैथोलॉजी पढ़ी है तो मैं आपसे बोनी पैथोलॉजी ही पूछूंगी अगर एक्सरे आएगा, सही है। तो जो बच्चे पढ़ता होता है उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा ये कॉमन सेंस यूज कर लिया करें कि जब आपने एक चीज पढ़ी नहीं है तो वो एग्जाम में कैसे आ सकती है, ठीक है। तो ये आप जरा थोड़ा सा देख लिया। अच्छा बच्चों, उसके अलावा ये रिंग साइन मैंने आपको दिया हुआ था, ये भी आप लोगों ने गलत किया हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई डिसलोकेशन में आपको हूँ तो उसके साथ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को डिसलोकेशन जो है वो क्लियर हो गई है। और ये जो एमसीक्यू था कि इंटीरियर जिनॉइड रिब और जो मीडियल बॉर्डर है आपका इसके दरमियान में डिस्टेंस 6 mm से ज्यादा होता है तो ये रिम साइन, ठीक है। तो अब स्टेरियो हो सकता है, एक आपको रिम साइन में पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं कि इसमें आपको और क्या स्ट्रक्चर्स साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बच्चों ने स्ट्रक्चर्स में भी आप लोगों ने बेटा इस तरह लिखा हुआ था कि शोल्डर जॉइंट, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स में आपने बोन्स जो है वो मेंशन करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें रिब्स नजर आ रही है, ये हमें क्लेविकल मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ह्यूमरस लिख दें, ये स्कैपुला लिख दें, जो जो बोन्स आपको नजर आ रही होंगी वो कोई सी तीन आपने वहां लिखनी, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ था जॉइंट्स का, तो बच्चों अगेन दिस इज वेरी इजी, एक तो हमारे पास ग्लेनोहुमेरल जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम जरा रिवाइज करें और कौन सा जॉइंट आ सकता है बताएं, कौन सा बच्चा बताएगा वॉलंटरली, शोल्डर में और कौन सा जॉइंट हो सकता है बच्चों, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या हो सकता है, स्टर्नोक्लेविकुलर, हाँ जी स्टर्नोक्लेविकुलर भी चले आप लिख दें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रिप्लिमेशन नजर आएगा तो ठीक है। और कौन सा आ सकता है, क्रोकोक्लेविकुलर, सॉरी एम ग्लेनोहुमेरल जॉइंट, हाँ जी ग्लेनोहुमेरल जॉइंट एक सबसे बड़ा आ गया। अगर रिब्स नजर आ रही है तो आप इंटरकोस्टल जॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए कितना आसान हो गया, स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए, हमने जॉइंट्स भी देख लिए वहां पे, ठीक है। इसके साथ आपसे कोई और साथ एक क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आप देखें कि आप शोल्डर में से आपको जो भी आएगा बेटा, या तो मैं फ्रैक्चर दे सकती हूँ कि सारा सेम सिनेरियो हो और मैंने एक इमेज दिया और आपको यहाँ पे फ्रैक्चर नजर आ रहा हो। खुद से बच्चों आइडेंटिफाई ना किया करें, जब हमने फ्रैक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्चर आपको लाइन से पता चलता है, फ्रैक्चर लाइन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ हुआ है। आपको जब इस बोन के ऊपर कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं नजर आ रही तो आप कैसे कहेंगे कि ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है ना। फ्रैक्चर में तो हमेशा हमें फ्रैक्चर लाइन नजर आती है, जहां आपको कोई लाइन नहीं नजर आ रही आप उसको कैसे कह रहे हैं कि वो फ्रैक्चर हो गया। हेयर लाइन तो बच्चों मैं आपको दे ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हेयर लाइन हमें नजर ही नहीं आएगा, प्रिंट के ऊपर हेयर लाइन आएगा ही नहीं। तो कोई ना कोई आपको मेजर आ सकता है, अगर ट्रांसवर्स आ सकता है, ओब्लिक फ्रैक्चर आ सकता है, कोई भी और फ्रैक्चर आ सकता है, ठीक है। तो अब शोल्डर में से या तो फ्रैक्चर आ सकता है या फिर हमारे पास डिसलोकेशन आ सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने आपको दिया था एक इमेज दिखाया था जिसमें आपको बताया था कि स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो रही है, यानी कि कर्व हमें नजर नहीं आ रही। इसमें भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई पेशेंट सिंपल हम कह सकते हैं कि लो बैक पेन के साथ आया है, मसल स्पैज़म हुआ हुआ इसको 3-4 हफ्ते से, ठीक है। जब स्पैज़म बहुत ज्यादा होता है तो ये हमारी जो पीछे कर्व है ये बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है और स्पाइन के ऊपर प्रेशर रहता है, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से मैं आपसे फिर जॉइंट वगैरह तो चले नहीं पूछूंगी, आई थिंक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए अगेन स्ट्रक्चर्स अगर मैं पूछूं तो क्या आप देखें नजर आ रहे हैं, आपको ये सैक्रम नजर आ रही है, कॉक्सिक्स नजर आ रही है, वर्टिब्रा नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिब्स में नजर आ रही है हमें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हिप जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें कितना इसको आइडेंटिफाई करना इजी काम है। तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा सोचा करें कि आप लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा जो है क्या इम्पोर्टेंट था, अच्छा जी हाँ, ये मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, जैसे हमने मैंने आपको ये बताया था स्पाइन की स्ट्रेचिंग, इसी तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि नेक में जो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये जो लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग की ना ऊपर वाली जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी भी स्ट्रेटनिंग हो सकती है,
ठीक है, अगेन क्यों हो सकती है स्ट्रेटनिंग, मस्कुलर स्पैज्म की वजह से, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंडीशन आती है जिसमें मैं कहती हूँ कि पेशेंट को पेन है और स्पैज्म हुआ हुआ है, ठीक है, वर्कलोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो सिंपल एक्सरे के अंदर आपको क्या आएगा, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग आएगी, ठीक है। अगर नेक में स्पैज्म है तो नेक के मसल्स जो है वो उसमें जो है वो स्ट्रेटनिंग होगी। अगर लो बैक है तो फिर जो लंबर एरिया है उसमें जो है वो आपको स्ट्रेटनिंग नजर आएगी। अच्छा, और इसमें बच्चों, हाँ जी, ये देखें, ये तो बच्चों मैंने आपको दिया था जो कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, फिर भी देख लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां आपको इस तरह का एक्सरे नजर आता है वहां पे मीडियली जहां स्पेसेस कम होंगी तो आपको फटाफट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये क्या है, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि नैरोइंग ऑफ द ज्वाइंट स्पेस, ये हमें साइड पे जो नोके नजर आती है मैंने आपको बताया था ये क्या होता है हमारे पास, ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आप में से काफी बच्चों ने जो है वो गलत किया हुआ था, बहुत आसान था, बहुत ईजी था बच्चों, ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं साइड पे जो नोके निकल आती है, लेकिन आप लोगों ने इसको गलत कर दिया। और उसके अलावा एक पॉइंट था ये ट्यूबल ट्यूबरोसिटी था, एमिनेंस था या सब कौन रिसेप्टिव प्रोसेस था, ये मैंने आप सबका ठीक किया हुआ है, इसमें आपने रिज लगाया है या जो भी लगाया है। अच्छा, और जो है वो हमारे पास एक और पॉइंट था बच्चों, दैट वाज सेक्लेरोसिस, ठीक है। अब ये था सेक्लेरोसिस जिससे मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज के नीचे वाला एरिया होता है, सेक्लेरोसिस होता है कि बोन बेसिकली भूरी भूरी सी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं अगर आपको बिल्कुल इजी अल्फाज में समझाऊं तो मैंने पॉइंट यहाँ लगाया हुआ था, आप सब बच्चों ने स्पेस को जो है वो सेक्लेरोसिस आप लोग समझ गए, स्पेस ये थी बच्चों और सेक्लेरोसिस ये नीचे वाला एरिया था, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए तीन पॉइंट मेजर हमारे पास आर्थराइटिस थे, ऑस्टियोफाइट, स्पेस, सेक्लेरोसिस, ये एमिनेंस कह दें कुछ भी कह दें, और ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास फिब्यूला लैटरल साइड पे है इसलिए ये लैटरल बनता रहता। तो थोड़ा सा बच्चों अपने ऊपर बॉडी के ऊपर रख के आपने स्पॉटिंग जो है वो करनी है, बिकॉज आप लोगों को पैथोलॉजी नहीं, बेसिक जो एनाटॉमी है आपकी बॉडी की, आप लोगों को वही थोड़ी सी जो है वो मिली है, थोड़ी नहीं बल्कि खैर काफी मिली है। एनीवेज ये देखिए, मैंने ये भी आपको इमेज दिखाया था कि लंबर में अगर हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स बने हुए, ये देखें ऑस्टियोफाइट, ये देखें ऑस्टियोफाइट, ये भी सारे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए नीचे, ठीक है। और इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये इसमें सिंपल स्ट्रेटनिंग होती है जब मसल का स्पैज्म हो, और जब ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं बोन आपको इस तरह से बुरी बुरी सी नजर आना शुरू हो जाती है, मिनरल डेंसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है बोन की, तो वहां क्या होता है, डीजनरेटिव डिजीज शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको नाम बताया था कि डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हम इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पेस कैसी है, ज्यादा है डिस्क की, यहाँ पे स्पेस जो है वो डिस्क के लिए कम है, ठीक है, इसका भी स्नैरियो बन जा सकता है। अब बच्चों देखिए कॉमन कंडीशन हमने पढ़ ली है, शोल्डर की डिसलोकेशन हो गई, मैंने कहा शोल्डर को फ्रैक्चर भी हो सकता है, इसका नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, स्पाइन में एक्सरे में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन कॉमन हमने देखे, ठीक है, स्पैज्म की वजह से। उसके अलावा हाँ जी ये एक इम्पॉर्टेंट था, ये तो वैसे आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन एनीवे जैसे मैंने ये एमसीक्यू के पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इमेज में ये आपको बैम्बो स्पाइन शायद इतनी अच्छे से जो है वो नजर ना, ठीक है। तो बच्चों ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट से, ओके, ये हमने जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से आपकी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी अगर रिड्यूस हुई हो तो आपको बोन जो है वो अक्सर के ऊपर किस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से जो है ये बोन पोरस जो है वो हमारे पास बेसिकली होना शुरू हो गई, क्योंकि इसके अंदर से बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, ओके। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या था हमारे पास, डिस्कशन हो गई, ये हमारे पास बेसिकली हिप की मैंने डिसलोकेशन ऐड की हुई है, ठीक है। ये देखिए आप नॉर्मल आपके पास जो है वो हिप का एक्सरे है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए ये अपने स्पेस इसके अंदर रिड्यूस हो रही है, आप इसको डिसलोकेशन या सबलोकेशन कहेंगे वैसे, हाँ या हम इसको आर्थराइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप ये देखेंगे इन दोनों के दरमियान में स्पेसिस जो है वो बहुत रिड्यूस होंगे। एनीवेज बच्चों ये आपसे स्पॉटिंग के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये मैं आपको स्नैरियो बेस भी नहीं दूंगी, बिकॉज इसमें थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आपको जब प्रिंट करेंगे तो वो हमारे पास मुश्किल नजर है, ठीक है। तो हिप के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एक्सरे आता है या नजर आया जो भी हम पढ़ते हैं, हिप तो हमेशा हम ज्यादातर बायलैटरल करते हैं, और अगर बायलैटरल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ ये नॉर्मल अलाइनमेंट है और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा जी, हील्स पर जो कि आप से बहुत सारे बच्चों ने फ्रेट से क्या लिखा हुआ था, इसको कैलकेनियस का फ्रैक्चर बनाया था, बट अब कहीं पे भी आपको जब फ्रैक्चर लाइन नजर नहीं आ रही तो आप कैसे कह रहे हो कि वो कैलकेनियस का फ्रैक्चर है। ठीक है, बात याद रखिए, जब हम फ्रैक्चर लाइन बड़ी ऑब्वियस सा फ्रैक्चर तो आपको बड़ा ऑब्वियस सा नजर आ जाता है ये फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी निकालती हूँ, कैलकेनियम पे अगर हम निकाल लेते हैं, तो आपको बड़ा आसानी से जो है वो नजर आ जाएगा, ये देखिए ये नजर आया, कितना आपको पता चल रहा है कि ये फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है हमें, उससे पता चल रहा है हमें कि ये फ्रैक्चर हुआ है। किसी भी बॉडी का ऑपरेशन निकालने कहीं पे भी अगर हम निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चले ह्यूमरस का हम निकाल लेते हैं फ्रैक्चर, आपको वहां पे मुझे फ्रैक्चर लाइन नजर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए शैक का हमने निकाल लिया, ये देखें यहाँ तो आपको जो है वो कोई स्पाइरल फ्रैक्चर है, ये जो सी टाइप का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर तो आपको बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये फ्रैक्चर हुआ है, ये हमारे पास फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, तो फ्रैक्चर तो आप देखिए तो पैथोलॉजी को कि फ्रैक्चर किस तरह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि उस इमेज में कभी भी हमारे पास फ्रैक्चर नजर ही नहीं आ रहा। ये देखिए फ्रैक्चर, ठीक है ना, शोल्डर का मैं आपको देती हूँ और आप जो है वो कंडीशन समझ के आप कह दीजिए फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर तो किस तरह का बेटा इतना ऑब्वियस नजर आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, और भी फ्रैक्चर है, ये जो भी फ्रैक्चर है फ्रैक्चर लाइन आपको नजर आएगी, ये देखिए। ठीक है, और मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, एक मैंने बताया था स्पाइरल में थोड़ी सी बोन की ट्विस्टिंग हमें नजर आती है, जैसे कि ये हमें बोन की ट्विस्टिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर है और ऑब्लिक में सिंपल आपको लाइन नजर आती है, बोन ट्विस्ट हुई नजर नहीं आती। अच्छा जी, एनीवेज स्पर हो गया था बच्चों, उसके बाद और इसमें भी आप लोगों ने जो है वो आपको बोन्स काफी सारे बच्चों ने गलत की हुई थी, स्ट्रक्चर्स में बोन्स लिखनी थी आपने, ये टेलस है, ये कैल्केनियम है, नेविकुलर है, क्यूबॉइड है, क्यूनिफॉर्म है, फ्लैंजेस है, वो सारी आपने लिख देनी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ से मुझे एक और पॉइंट याद है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन था कि आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे बॉडी के लिए रिपीटेड एक्सपोजर जो है वो क्यों हार्मफुल है, तो बच्चे बार बार डिस्कस हुआ था कि आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है कि आपकी बॉडी के साथ के सेल्स की आयनाइजेशन कर देती है। ठीक है, आपके सेल के डीएनए को डैमेज कर देती है, सेल में म्यूटेशन हो सकती है, ये दो चार बातें मैंने आपको बताई थी, बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, बट आप में से काफी सारे बच्चों ने उसको भी जो है वो प्रॉपर नहीं लिखा। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ये हमने पढ़ा था आई थिंक पटेला का फ्रैक्चर। हाँ जी, ये देखिए बच्चों, ये तो देखिए अगेन वही बात है कि बड़े इजीली पटेला का आपको फ्रैक्चर नजर आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक जो हमने नी वाला एक्सरे था उसके अंदर पटेला की हुई थी, बेटा देखिए पटेला सिर्फ एक प्रॉपर बोन है जो आपको एक्सरे में नजर आती है तो वो आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा। ठीक है, कोई भी दो नी के ऊपर छोटा सा अगर पॉइंट नजर आ रहा है तो आप उसको पटेला तो नहीं बना सकते, ये तो प्रॉपर फीमेल के साथ पटेला जॉइंट बना रहे। और इसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो कोई भी अगर आपको इस तरह से नजर आ जाता है कि कोई भी नेक है या कोई नेक डली हुई है तो वो भी आप बता सकते हैं, ये कोई स्क्रू डला हुआ है। ठीक है, आई थिंक हमने पिक्चर पढ़ा था, इसके ऊपर इतना क्लियर नहीं, लेकिन अगर आपसे फ्रैक्चर पूछा जाएगा तो बेटा वो आप बड़े आसानी से जो है वो फ्रैक्चर नजर आ रहा है। अच्छा ये देखिए, ये बर्ड्स फ्रैक्चर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अक्सर पेशेंट्स में ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा रहा मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कोई लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, T11 के लेवल पे मैंने आपको बताया था, या मैंने आपको कहा था कि लोअर थोरेसिक और अपर लंबर एरिया यानी कि T11, 12 और L1, L2, इसके ऊपर बर्ड स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगेन बच्चे ये जो है वो मैं आपसे स्पॉटिंग में पूछ सकती हूँ, स्नैग्यू बेस के लिए जो है उसको हम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, बिकॉज मिडटर्म से मुझे पता चल गया है कि आप लोग शायद मुश्किल ही से कोई आइडेंटिफाई कर सकें जो आपको चीज मिल जाए। ये देखिए, तो बच्चों ये अब आपको पता चल गया कोई भी आपको जो है एक्सटर्नल कोई चीज नजर आ रही है एक्सरे में तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फ्रैक्चर लाइन खैर आपको चले पता चल गया। ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर हमने कुछ थोड़े से मुश्किल पड़े थे, स्पॉटिंग के लिए आप लोग ये देख लीजिएगा,
अगर स्नेरियो बेस्ड फ्रैक्चर आते हैं तो वो मैं आपको जो है वो बहुत ज्यादा असाइनमेंट होगा जो कि आपको इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ फ्रैक्चर लाइन पे फोकस करना है कि अगर फ्रैक्चर लाइन वहाँ है या नहीं। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमें बड़ा इजीली पता चल रहा है। अगेन अगर इस तरह आके आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन से जॉइंट है तो बेटा इंटर प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरफ्रेंडियल जॉइंट आ सकते हैं, कार्बोमेटाकार्पल जॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैम इमेज एक ही आएगी स्पॉटिंग में? हाँ जी एक ही होगी बच्चे। ठीक है, तो ये जो है वो आई थिंक इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम जरा एक्सरे जो MRI पैथोलॉजीज वाला लेक्चर है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है अब आपको अगर पैथोलॉजीज में से कुछ पूछा जाए एक्सरे पैथोलॉजीज में से तो आपको जो है वो नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा देखा करें आप लोग, पेपर में आपको सीधा सीधा तो नहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता। जो हमने पैथोलॉजीज पढ़ी थी बेटे ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ जी ये पढ़ा था हमने कॉमन MRI पैथोलॉजीज। एक तो आपको सीक्वेंस बच्चों T1 T2 जो हमने पढ़े थे क्या क्या डिफरेंस है वो सारे आपको पता होने चाहिए, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए। ठीक है, MCQs में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर इमेज में मैं आपसे कोई MRI का इमेज देख के पूछूं कि T1 और T2 को आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा था कि मेनिनजियोमा, ठीक है, ब्रेन में अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से आपको एक ब्राइट जो है नजर आएगा और ये कौन सा है हमारे पास T1 है। ठीक है, कोरोनल सेक्शन में भी फिर इन्फेक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको सेल्काए और गराए का जो डिफरेंस है वो नजर नहीं आ रहा होता तो हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो भी सिग्नल होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये हमारे पास CT स्कैन का इमेज नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे हमारे पास CSF जो है वो इसका कलर जो है वो हमें ब्लैक नजर नहीं आ रहा, और इसके अलावा इस तरह का जो हमारे पास सेंट्रल कॉर्टेक्स है इसका भी इस तरह का जो है वो आपके पास CT स्कैन के अंदर जो है वो कलर नहीं होता। ठीक है, ये कुछ पढ़े थे हमने इसी तरह से ग्लायोब्लास्टोमा जो मैंने आपको बताया था कि मेनिनजियोमा हमारे पास ब्राइट था और ग्लायोब्लास्टोमा हमारे पास जो था वो इस तरह से डार्क कलर का जो है वो नजर आ रहा है। आपसे लोकेशन नहीं पूछी जा सकती, आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। ठीक है, और T1 T2 जो है वो जहाँ जहाँ CSF नजर आ रहा होगा सबसे पहले तो आप उसी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये T1 इमेज है या फिर ये T2 इमेज है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये सारा कुछ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और हमने बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा था दैट वाज ये तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जिसमें आपको बताया था कि इसमें क्या CSF नजर आता है, किसमें कैसा CSF नजर आता है, और इसके अलावा जितने भी इसमें डिफरेंसेस थे ये आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके स्टाइको पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ, वो हमें पढ़ा था डिस्क की बल्जिंग पढ़ी थी। ठीक है, ये जो हमने पढ़े थे कंक्लूजन क्या है एक्सक्लूजन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, और इसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जो हमें बेसिकली क्या कहता है कि लो बैक पेन सिंपल नहीं हो रही। ठीक है, लो बैक पेन वो जो कि रेडिएट कर रही है कहाँ पे आपके लेग के अंदर रेडिएट कर रही है। ठीक है, रेड लेग में यूजली होता है कि जो शटिका होती है पोस्टीरियरली आपके रेडिएट कर रही होती है। ठीक है, आपके बैक से आपके जो है वो ग्लूटियल रीजन से आपके फिर पांव तक जा रही होती है और पांव के लैटरल कंपार्टमेंट तक जा रही है। ठीक है, ये यूजली हमारे पास शटिका का पैटर्न होता है और हमारे पास जितने भी ऑलमोस्ट 85% केसेस जिसमें डिस्क बल्ज हो, डिस्क एक्सक्लूजन हो, सिक्वेस्ट्रेशन हो या कंक्लूजन हो उसमें शटिक नर्व सबसे ज्यादा हमारे पास इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब बच्चों एक मैंने अभी आपको पिछले केस बताया था वो क्या था, सिंपल एक्सरे में हमने देखा था कि स्पैज़म हुआ था और स्ट्रेटनिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पेशेंट आया लो बैक पेन के साथ है, ठीक है जी, स्क्वेयर लो बैक पेन के साथ है पेशेंट और जो है वो पेन रेडिएटिंग इन नेचर। ठीक है, पेन रेडिएट कर रही है, लेग में भी जा रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग से जो है वो पास करके पांव तक जा रही है, और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था दैट वॉज कि अगर पेशेंट कोई नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है तो थोड़ा सा साइन हमारे पास क्या आता है आप लोगों को शायद पता ही होगा, नमनेस, टिंगलिंग, ठीक है, ये सारी सेंसेशन भी पेशेंट बताता है। ये एक पूरा हमारे पास स्नैरियो बनता है, लो बैक पेन होगी पेशेंट को
टांग में दर्द जा रही है, ठीक है, साथ वो क्या कह रहा है, मुझे सुइयां सुइयां चुभ रही है, टांग सो रही है, उसको हम नंबनेस या टेंगिंग कहते हैं, ठीक है, ये सारी सेंसेशन हो गई है। और अब हमने क्या कराया जी, पेशेंट का हमने लंबो सैक्रल एमआरआई कराया है, तो आप बताएं कि पेशेंट को क्या जो है वो इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लंबो सैक्रल एमआरआई कराएंगे तो मैं आपको सर्जिकल, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से रूम में मैं आपको जो है वो दे सकती हूँ एमआरआई, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास अगर इस तरह से मैं सर्जिकल रूम में दू तो प्लीज आप लोग उसको ये ना समझें कि ये हमारे पास एक एक्सरे का इमेज आ गया, ठीक है, बल्जिंग हमने एक्सरे के ऊपर पढ़ी नहीं है, बिकॉज बल्ज डिस्क का हो रहा है, डिस्क एक सॉफ्ट टिश्यू है और सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम क्या पढ़ते हैं एमआरआई जो है उसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जितना आपको सेरिस्टेरियो बताया है, ये सारे स्टेरियो रूम है और इस तरह का एक लंबर स्पाइन का सेजिटल सेक्शन, ठीक है, अटैच करूँ और मैं आपसे कहूँ आइडेंटिफाई करें कि ये जो है वो पेशेंट का क्या मसला आ रहा है, ठीक है, या क्या पैथोलॉजी है इसकी, तो आप बताएंगे कि जी इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्क बल्जिंग हो रही है, पैथोलॉजी बल्जिंग डिस्क लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको जो मैंने डिफरेंट बताया था कि सीक्वेस्ट्रेशन है, ये सब कुछ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आपसे यहाँ ये हो सकता है कि इसमें दो चार नीचे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए होंगे, एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन बताएं, ठीक है, एक तो आपने पैथोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली कि डिस्क क्या हो रहा है, डिस्क का बल्ज हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन। उसके साथ क्या क्वेश्चन और आ सकता है, ये हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ जी व्हाट आर द डिफरेंट एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क बल्ज, तो आप एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन बताए, ठीक है। अगर उसमें आप लोग ड्रॉ भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों ने नहीं भी करते तो उसमें कोई इतना होगा, ठीक है, बट जो तीनों में मेजर डिफरेंसेस है ये आपको तीनों आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा इसमें से इस तरह बन सकता है, मैं आपसे जैसे मैंने आपको जब हमने लेक्चर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि लेवल बताएं कि ये कौन सा लेवल है, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था L4 L5 और L5S1। इस रीजन के ऊपर हमारे पास ज्यादा जो है वो बल्जिंग होती है। लेक्चर में आपको मैंने एक साइड भी शो की थी, एक साइड के ऊपर से ओपन करके किस तरह से हम L3 L4 L5S1 करते हैं, ठीक है। तो आप देखें कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि बेटा ये किस लेवल के ऊपर बल्ज है, बॉयज में से कोई जरा मुझे बताएं, बिकॉज बॉयज ने ज्यादा जो है मेरा ख्याल प्रेफर किए हुए थे, दोनों ने वैसे तो इक्वल किए हुए हैं। कायनात आप बताएं, आप तो मेरा ख्याल है आज शायद फर्स्ट लेक्चर में, कायनात बेटा प्रेजेंट है आप क्लास में, कायनात कायनात एब्सेंट है, कट रही थी आवाज मैम, इधर ही हूँ। मैम आपकी थोड़ी सी समझ आती है, जहाँ से अच्छी समझ आने लग जाए वहाँ से फिर आपकी आवाज कट जाती है। बेटा तो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स खोलें और वहाँ से देखें। यस मैम। मुझे बहुत बताएं, शुएब अख्तर, मोहम्मद शुएब अख्तर, आप बताएं सर, बताइए कौन सा लेवल हो सकता है? बच का ये क्या लेवल है? कौन सी स्पाइन है आपकी? ये कौन सी बोन नीचे हमें नजर आ रही है? बेटा सारे बच्चे सो रहे हैं क्लास में, जिसका नाम लेते हैं वो आपसे रिस्पॉन्स नहीं करता, ऐसा क्यों है? हाँ जी मोहम्मद यासीन आप बताएं। मैम ये लंबर का L4 L5 L4 L5 जी मैम। अच्छा जी, गर्ल्स में से कोई वॉलंटरी बताना चाहते हैं? L4 मैंने आपको बताया दो कॉमन है L4 L5 और L5S1, ये ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारा सारा वजन जो है वो यहाँ पे आता है बॉडी का, ठीक है, या अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, टीचर है या स्टूडेंट है, आप ज्यादा देर तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा हमारा यहाँ पर वजन आ रहा होता है, इस वजह से इस एरिया में L4, L5 और L5S1, ठीक है। तो जहाँ सेक्रम से याद रखें, जहाँ से सेक्रम शुरू हो रही हो तो डेफिनेटली वो L5S1 का लेवल होगा, और उससे ऊपर वाला जो लेवल है हमारे पास वो कौन सा है? L4 L5 का, ठीक है। इस
इससे ज्यादा ऊपर बजट होती है, जरा कॉमन ही होती है हमारे पास, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूंगी तो वो इसी एरिया के अराउंड, ठीक है बच्चों। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कितना अच्छा स्नैरियो बन गया। सेशनल मैंने आपको व्यू दिया हुआ है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है पैथोलॉजी को, आप एनाटॉमिकल उसके बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो उस वक्त मेरे माइंड में आया कि आप ये भी पूछ सकती हूँ कि ये व्यू कौन सा है, ठीक है। तो ये बच्चे सीधी से आपको नजर आ रहा है कि ये सेक्शन, और मैंने वैसे भी आपको बताया था कि ज्यादातर हमने बल्जिंग के लिए या लंबर स्पाइन के लिए पैथोलॉजी देखनी है, तो उसमें हम जो सेक्शन व्यू है इसको जो है वो ज्यादा रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ये देखिए हमारे पास हर्निएशन हो रही है, यहाँ पे वो बल्ज था, ये हर्निएशन है। हर्निएशन में आपको इस तरह से आउट पाउचिंग जो है वो नजर आएगी, दोनों नजर आएगी, पर डिफरेंस करने बच्चों सिर्फ हल्का सा बल्ज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा पाउच सर भर के हमारे पास बाहर आ गया और नर्व को कंप्रेस कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में हम इसको रेडिएशन के साथ कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जो है वो नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बल्जिंग में भी आपकी पेशेंट की पेन रेडिएटिंग होगी, और जो डिस्क हर्निएशन है इसमें भी जो है वो पेशेंट की पेन रेडिएटिंग होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, बट यहाँ पे हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके अलावा एक हमने पढ़ा था कॉर्ड कंप्रेशन, ये मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये आप ज्यादातर इसको फोकस करें स्पॉटिंग के लिए, ठीक है। सैलियो के लिए ये दोनों जो है हर्निएशन एंड बल्जिंग, ये दोनों जो है बच्चों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने इसके बाद नहीं रिपीट करना, बार बार बच्चों आपको एक बात रिपीट की जाती है, जैसे ही वो पेपर में चीज आती है आप सब उसको जो है वो गलत करते हैं, ठीक है। लो बैक पेन और रेडिएटिंग है, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी बच्चों के, जहां आपका स्नैरियो है मेंशन हुआ हुआ, स्नैरियो के अंदर ही आंसर मौजूद होता है। हील पेन आपको इंडिकेट कर रही है कि कैल्केनियम हमारी हील बोन है, और हील के अंदर क्या हुआ हुआ है, वहां पे स्पर बना हुआ है क्योंकि हमने स्पर ही पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से अब लो बैक पेन एक सिंपल मैंने बताई है, स्पैजम के साथ एक्सरे आ गया तो वो क्या हो सकता है, स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर लो बैक पेन के साथ पेशेंट आया है और मैं देख रही हूँ कि वहां पे क्या है कि पेन रेडिएट कर रही है, टांग के अंदर जा रही है, ठीक है, लेग के अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास करके पांव तक जा रही है, नंबनेस टिंगलिंग आ रही है, तो क्या हो गया है, वो बल्जिंग है या फिर वो क्या है, हर्निएशन, ठीक है। तो अब ये आपका काम है कि हर्निएशन और बल्जिंग के अंदर डिफरेंशिएट करना। अच्छा जी, उस तरह जैसे हमने वहाँ पे बर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसी तरह से बर्ड स्ट्रक्चर ये भी हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। बेसिकली बर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको वर्टिब्रा जो है वो कंप्रेस होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हमारी स्पाइन के ऊपर एकदम से ज्यादा लोड पड़ जाए तो ये उसकी वजह से बेसिकली बर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। जो बंजी जंपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, या जो ये स्काई डाइविंग वगैरह आप करते हैं, ठीक है, इसमें अक्सर ये होता है कि अगर आपका कोई ट्रॉमा हो गया या गिर गए हैं या आपका जो है कोई पोजिशन उसमें खराब हो गई है, उसमें फिर इस तरह से स्पाइन के ऊपर अगर अनइक्वल लोड अनइक्वल प्रेशर चला जाए तो उसमें हमारे पास ये बर्स्ट फ्रैक्चर जो है फिर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको जो है वो ज्यादा इसमें कहूँगी फोकस करें स्पॉटिंग के लिए, ठीक है, इसको सैलियो के लिए ना करें, बिकॉज अगेन सैलियो में जब हम इसका इमेज लेंगे तो ये इमेज में बर्स्टिंग जो है वो आपको इतने अच्छे से नजर आएगी। अच्छा जी बच्चों, उसके अलावा हमने पढ़ा था नी में लिगामेंट्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये था बेसिकली, अगर कि मैं आपको एमआरआई का जो है वो इमेज देती तो मैं आपसे पूछती तो आपको पता चलता कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, बोन्स इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, ठीक है। हमें पढ़ा था जब एमआरआई, तभी मैंने आपको बताया था कि एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यूज हमें बड़े अच्छे से नजर आ रहे होते हैं, तो हम सॉफ्ट टिश्यू को भी ज्यादा जो है क्या कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो हमारे पास इंजरी कॉमन है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते हैं, ठीक है, तो ACL tear बहुत ज्यादा एथलीट्स में या फुटबॉल प्लेयर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है ACL tear, ठीक है। तो ये भी मैंने एथलीट्स में इमेज ऐड किया हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लोकेशन वाइज ACL और PCL, इसकी लोकेशन देख लें, ये कॉमन है आपके पास, ये देखिए, ये ACL tear की यहाँ पे लोकेशन थी और posterior side पे जो अटैचमेंट है वो बेसिकली PCL का tear। अब बच्चे ये एक जो है वो आपके पास MRI का इमेज है और इस पे आपसे मैं सॉफ्ट टिश्यूज पूछ रही हूँ। आप देखिए इस वक्त हमने जितनी पैथोलॉजीज पढ़ी है वो सारी कौन सी पढ़ी है, सॉफ्ट टिश्यू की पढ़ी है, दिस एक सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है। लिगामेंट्स क्या है, सारे सॉफ्ट टिश्यू, ज्यादा फोकस हम यहाँ पे किस पे कर रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप MRI के अंदर बोन नहीं देख रहे, जैसे हम बर्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो है वो अगर इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके दूंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
एमआरआई हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए कर रहे हैं और फ्रैक्चर्स के लिए या बोनी पैथोलॉजीज के लिए ज्यादातर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्सरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपने पेपर में देख लेना है कि इमेज जो है वो एक्सरे है या एमआरआई है, उसके अकॉर्डिंग एक्सरे होगा तो बोनी चेंज होगा, एमआरआई होगा तो कोई सॉफ्ट टिश्यू का चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें ईसीएमडीआर बहुत कॉमन था। और फिर एक और पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट वाज ये पपेट हैंडल टीयर था और ये सारे टीयर से, हाँ डबल ईसीएल साइन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बकेट हैंडल टीयर होता है और साथ ओसीजर क्रूशियल लिगामेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगेन इसका अगर मैं आपको कहूँ कि स्नैरियो बेस आ सकता है, तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता दूँ कि पेशेंट कोई भी, हम कहते हैं कि फुटबॉल एथलीट है, ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर जो है और वो जो है वो ड्यूरिंग द जो है वो गेम, ठीक है, क्या हुआ कि उन्हें जो है वो गिर गए, ठीक है, और राइट जाके जो है वो हिट किया उनके इसके ऊपर इंटीरियर साइड से, एक फोर्स ने उनके कहाँ जाके हिट किया, नी के ऊपर हिट किया, ठीक है, इंटीरियर साइड पे उनको हिट कर, तो क्या होगा कि उसके बाद पेशेंट को पेन आ रही है, पेशेंट पे जो है वो पेशेंट स्टैंडिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, यहाँ पेशेंट जो है वो वेट बेरिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, और उसकी गेट जो है वो हम कह सकते हैं कि वो लर्चिंग गेट के साथ चल रहा है या अनस्टेबल गेट के साथ चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट का हमें लग रहा है कि कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है और वहाँ पे, हाँ जी एक और पॉइंट, रेडनेस स्वेलिंग है, इस तरह के साइंस। देखिए बेटा, जब भी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो हमेशा इन्फ्लेमेशन के साइंस हमें वहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, जहाँ इन्फ्लेमेशन के ज्यादा साइंस नजर आते हैं तभी हम रेडियोलॉजी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज गिरते तो आप उठते रहते होंगे खेलते खेलने में, यहाँ वहाँ पे हम एक्सरे हमेशा तो नहीं कराते ना, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि रेडनेस स्वेलिंग है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, पेट पीरियड नहीं हो रहा, तब हम जो है वो किसी डायग्नोस्टिक टूल की तरफ जाते हैं। सो ये हमेशा याद रखें कि ये आपको साथ आएगा कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, ये साइंस रहता है क्या। एनीवेज, अब जैसे मैंने सैनियो बताया, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे जी क्या हुआ हुआ है, हम कहते हैं जी इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का टियर हुआ हुआ है। साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जी बताएं व्हाट इज डबल पीसीएल साइन। ठीक है, तो आप बताएंगे जी कि डबल पीसीएल साइन में हमारे पास इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एंड बकेट हैंडल टियर दोनों जो है वो हमारे पास। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था बकेट हैंडल टियर और आपके लिए ज्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट है स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बकेट हैंडल टियर के लिए मैं पूछ सकती हूँ। जो एसीएल टियर है, ये जो मिनिस्कस का हमारे पास टियर नजर आ रहा होता है, जो कि मैंने आपको ज्यादा बताया हमारे पास एसीएल बहुत कॉमन है, तो एसीएल का टियर जो है वो मैं ज्यादा आपसे किसमें पूछ सकती हूँ, स्नैरियो बेस्ड बना के पूछ सकती हूँ। ठीक है, और साथ क्वेश्चन में फिर मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ कि जो डिफरेंट हमने जैसे कि टाइप्स पढ़ी थी, ये मैं आपको फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एक्चुअली इसकी हमने मिनिस्कल टियर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको नाम आना चाहिए कॉम्प्लेक्स रेडियल हॉरिजॉन्टल बकेट हैंडल का नहीं, फ्लैट टियर का, कोई भी इनमें से दो तीन नाम आना चाहिए। तो एक पैथोलॉजी आपने आइडेंटिफाई कर ली, कुछ मैं आपसे टियर की टाइप्स पूछ सकती हूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या हो गया कि डबल पीसीएस साइन क्या है, ये हो गया। ठीक है, और इसी तरह से कोई एक बार क्वेश्चन और साथ ऐड कर सकते हैं। इसमें और जो है वो कुछ हमारे पास था इम्पोर्टेंट, शोल्डर में हमने पढ़ी थी, हाँ दो तरह का मैंने बताया था, एक हमने पढ़ा था स्लैब और एक हमने पढ़ा था पिन गार्ड फिनिशन। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि बड़ा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 और 2 की पोजीशन और 3 और 6 की पोजीशन। पिन गार्ड फिनिशन में क्या है आपके पास, 3 और 6, घड़ी में जो हमारे पास 3 और 6 जहाँ पे लिखा हुआ होता है, तीन और छह, ये थ्री इधर होगा, ठीक है ना, देखिए 12 इधर होगा, 3 इधर होगा, 6 इधर होगा, 9 यहाँ होगा। ठीक है, 3 और 6 की पोजीशन में अगर आपको कोई टियर नजर आता है तो वो क्या होता है, बेंगार्ड। और अगर आपको 10 और 2 की पोजीशन में नजर आता है, यहाँ 9 था, इधर 10 है, ये 10, इधर 10 और 2, यानी कि इस तरह से एक लाइन की में आपको टियर नजर आता है तो वो क्या है, आपके पास स्लैब टियर है। मैं देख लूँ कि इसका हमने हो गया स्लैब और 3 और 6, अगर यहाँ टियर नजर आएगा और यहाँ टियर नजर आएगा तो हमारे पास बेंगार्ड। अगेन बेटा आपसे
भी पूछा जाएगा एमआरआई पैथोलॉजी जो कि मैंने आपको पढ़ना है। और यहाँ पे अभी फिलहाल हमने एमआरआई में शोल्डर की दो पैथोलॉजी से पढ़ी है, एक विंगार्ट है और एक है स्लैब ट्यूमर। ठीक है, इसी तरह से जो इसे मैंने आपको बताया था बड़ा कॉमन हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट टियर होता है। ठीक है जी, पेशेंट की कोई भी ट्विस्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसका जो है वो टियर नजर आएगा। ये हमारे पास बेसिकली बच्चों इस तरह से होता है फैन शेप। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ये फैन शेप होता है ट्राइंगल। ठीक है, और इसके अंदर भी मुझे नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आई थिंक आप इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहे जो है वो मुश्किल हो जाए, लेकिन जो है वो ये आपसे स्पॉटिंग में ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे मैं इसका स्नैरियो बेस्ड है वो मैं आपको पूछूंगी, बिकॉज अगेन ये इमेज के अंदर आपको क्लियर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि एमआरआई में जो पैथोलॉजीज है एंकल में सिर्फ एक पड़ी है डेल्टॉइड लिगामेंट की, वो मैंने आपको पहले बता दिया, स्नैरियो में हम नहीं दे सकते बिकॉज इमेज के अंदर ये प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, ये टीयर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाले टीयर्स आ सकते हैं बिकॉज ये थोड़े से आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके अंदर। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए टीयर के क्या आ सकते हैं। ठीक है जी, फिर हमने ये पढ़ लिया दिस बल्जिंग और हर्निएशन, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये स्नैरियो बेस्ड की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें और हमने क्या पढ़ा है, और ये सिंपल डिफरेंशिएशन है T1 एंड T2। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल लेक्चर था उसमें आप लोग देखने की क्या वो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सारा जो है वो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में हमने दो चार ही पढ़ी है, मेनिंजियोमा है, ग्लायोब्लास्टोमा है और इंफेक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई हमने इसमें ब्रेन में जो है वो नहीं पढ़ा। मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आप? सॉरी, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, मतलब जो भी हमारी रिवीजन क्लासेस हुआ करेंगी? हां जी, हां जी, इसकी मैं कर दूंगी बच्चों। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आपको अब एक्सरे पैथोलॉजीज और अगर एमआरआई पैथोलॉजीज में से बच्चों कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको स्टेरियो बेस्ड दे दिया एग्जाम में और आप में से किसी बच्चे ने उसको गलत किया तो फिर मैंने नेगेटिव मार्किंग कर दी। ठीक है, बिकॉज देखिए बेटा, एक पॉइंट आपको कितनी दफा रिपीट किया है मैंने, अगर आप तभी इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे तो फिर आप देखेंगे आपको उस पर काम करना चाहिए ना, उसको आपको जो है वो पढ़ना चाहिए आपको फिर। ठीक है, इसमें से बच्चों किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। एक्सक्यूज मी मैम। हां जी मैम, डबल पीसीएल साइन और एसीएल इंजरी आपने दोनों का सिनेरियो बनाना है, मतलब पेपर में दोनों देंगे सिनेरियो? बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, फिर से क्वेश्चन करें। मैं कह रहा हूं कि डबल पीसीएल साइन जो है और एसीएल इंजरी उसका सिनेरियो आपने दोनों देना है, एसीएल टियर एंड और डबल पीसीएल, उसके सिनेरियो में क्या डिफरेंस होगा मैम? देखिए मैंने भी आपको बताया है कि सिनेरियो में मैं आपको ज्यादातर हमारे पास इंजरी एसीएल की होती है। ठीक है, एसीएल टियर, ये रोनाल्डो में जितने इन सब के एसीएल टियर्स हो चुके हैं मेरे तरफ। ठीक है, तो एसीएल टियर की इंजरी बहुत कॉमन है, सिनेरियो में मैं आपको एसीएल टियर दे दूंगी। नीचे जो हमारे दो चार क्वेश्चंस मैंने ऐड करने होते हैं ना, उसमें मैं आपसे पूछ सकती हूं कि डबल पीसीएल साइन क्या है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सरे पैथोलॉजीज वाले में बताया है कि अगर शोल्डर में फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर डिसलोकेशन आती है, ठीक है, उसके साथ मैं आपसे रिम साइंस भी पूछ सकती हूँ कि रिम साइंस क्या होता है। ठीक है, या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कितनी टाइप के शोल्डर डिसलोकेशन है, तो आप बताएंगे जो इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है। अब अभी आपने बेटा आपको पेपर दिया ना, आपको पता है मैंने दो चार नीचे क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, तो वो दो चार क्वेश्चंस जो है उससे मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी, हाँ जी बेटा, किसी स्टूडेंट ने पूछा मैं आपकी वाइवा और स्पॉटिंग सेम डे को है। ठीक है, मैंने आपको काफी डिटेल में भेज दी है, वाइवा और स्पॉटिंग सेम डे होगी, आप वाइवा दोगे मुझे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपसे करूंगी, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और साथ ही आपका एक इमेज मैं आप प्रोजेक्टर पे आपको शो कर दूंगी, आप उसको आपके पास 30 सेकंड्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आप आइडेंटिफाई करेंगे और आपके वहां से स्पॉटिंग के मार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपका मर्ज कर दिया बेसिकली वाइवा एंड स्पॉटिंग। हाँ जी, और किसी बच्चे को क्वेश्चन? मैम जैसे हम आपको वाइवा देने आएंगे आप उसी टाइम स्पॉटिंग लेंगी एट द टाइम? जी 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 जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है, क्लासरूम में नहीं मैं रहूंगी, आपका क्लासरूम में ही आप लोग वन बाय वन आके मुझे वाइवा देते जाएंगे, साथ ही मैं प्रोजेक्टर रूम के जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर जो है वो क्लासरूम में एक साइड जो है वो चेंज करती जाऊंगी। ठीक है, डिफरेंट साइड में आप बना लूंगी,
और आपको भी एक्साइटिंग होंगी, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे 30 सेकंड के अंदर और आप फिर बाय चले जाएंगे, नेक्स्ट बच्चा आ जाएगा। ओके मैम, ओके मैम, ये सही। मैंने आपको कितने सारे सिनेरियोस बना के बार बार बताए हैं और अभी अगर आप लोग आइडेंटिफाई ना कर सके फाइनल में, फिर आप लोग देख लेंगे बच्चों आप लोगों का जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो वीक है फिर आपको, ठीक है। और जो है वो फिर स्पॉटिंग में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो स्नैरियो बेस्ड होता है वो आपको जरा हमें क्योंकि कॉपी करानी होती है। अभी भी इस दफा में मैंने आप देखे दो इमेजेस आपको दिए हुए थे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें इस पर, पर फिर भी आप सबने गलत किया हुआ था। और बच्चों एक लास्ट पॉइंट, आप लोग स्पेलिंग सब बच्चे गलत लिखते हैं, इसको भी आप लोग देख लें। ईल के स्पेलिंग एच डबल ई एल होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एच ई ए एल ई लिखा होता है, एच ई ए एल ई और एच डबल ई एल ई का डिफरेंस है। स्पर के स्पेलिंग एस पी यू आर है, आप लोगों ने एस पी यू आर के स्पर लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने एस पी ई आर के स्पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख ले बच्चे। ये अभी मिड टर्म था, आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, तो मैंने यूनिवर्सिटी को वहां पे छोड़ दिया। फाइनल में आप लोगों ने अगर कोई ओवरराइडिंग हुई, कोई कटिंग हुई, कोई इस तरह की मिस्टेक हुई जो कि आपका वर्ड जो है वो गलत जो है उसका मीनिंग बन रहा होगा, ठीक है। इसके स्पर और स्पर दोनों डिफरेंस है, ठीक है बेटा। आप किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग बच्चों में आपके साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, और प्लीज इसको जरा आप थोड़ा अच्छे से बार बार सुनने की भी कोशिश कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोगों ने पहली भी रिकॉर्डिंग से फोकस किया होता तो आप लोगों को शायद मेरा ख्याल है कि बड़े किसी भी एथलीट से ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप बच्चों आइडेंटिफाई कर ही लेते कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आप। मैम वाइवाज की डेट क्लियर बता दीजिए, दो दिन में होगा 28-31 को या 28-31 तीन चार दिन के दौरान होगा? नहीं नहीं बेटा, मैंने लिखा हुआ 28 and 31st, ठीक है। 28 and 31st का मतलब है कि आधे स्टूडेंट्स का 28 को होगा और आधे बच्चों का 31st को होगा, और हमारे अपने ही लेक्चर के स्लॉट में होगा। जी मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब वाइवा स्टार्ट होना होगा उससे दो तीन दिन पहले लिस्ट शेयर कर दूंगी किन बच्चों ने वेनेसडे को देना है और किन बच्चों ने सैटरडे को देना है, ठीक है। हाफ हाफ स्टूडेंट्स में भी डिवाइड हो जाएंगे और ऑन कैंपस आके आप दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस मैम। चले बेटा आप पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज आप सारे बहुत सारे बच्चों ने बड़े कम कम मार्क्स अचीव किए हैं, आप लोगों ने देख लिए, मैंने मार्क्स अपलोड कर दिए, तो बेटा देख लिया अब आपके कितना आसान पेपर था और आप लोगों ने उसमें ब्लंडर्स किए, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा था, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वेल एंड गुड, बट जिन बच्चों ने जो है वो मिस्टेक्स की हुई है वो फिर आप लोग देख लें, ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।